यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीआईबी का एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट क्वेश्चन बैंक नंबर वन है, इसको हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे साथ साथ एक मेगा ऑफर है सीआईबी के कोर्सेज में, जो 80% डिस्काउंट में अभी आपको मिल जाएगा। पहला सवाल देखिए, बोलते हैं कि सप्लाई रिमेनिंग कॉन्स्टेंट इफ डिमांड इंक्रीजेज प्राइस में। बोलते सप्लाई अगर हम एकदम एज इट इज रख दें, कॉन्स्टेंट रखें, और डिमांड जो होता है धीरे धीरे अगर बढ़ जाए तो प्राइस क्या होगा उस केस में। सप्लाई क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट रख रहे हैं, डिमांड बढ़ा रहे हैं, तो प्राइस क्या होगा, ये सवाल है। ए ऑप्शन है राइज होगा, बी ऑप्शन है रिमेंस कॉन्स्टेंट होगा, सी ऑप्शन है फ्लक्चुएट करेगा, डी ऑप्शन है फॉल करेगा। आपको जवाब बताइएगा सोच समझ के क्या होना चाहिए आपके समझ से। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइज करेगा। कैसे राइज करेगा समझिएगा, यहां पे बोल रहा है कि सप्लाई जो है आपका, सॉरी यहां क्या बोल रहा है, सप्लाई जो है आपका कांस्टेंट है ना। सप्लाई क्या है यहां पे समझिएगा बात, कांस्टेंट है यानी सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं है, पर सडनली डिमांड आपका इंक्रीज हो गया, यानी डिमांड हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिमांड आपका बढ़ गया। अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ जाएगी ठीक है, तो आपका क्या एक उपाय, एक उपाय सप्लाई बढ़ाओ, पर यहाँ क्या बोल रहा, सप्लाई तो आप उतना को उतना ही छोड़ रहे हो, तो नेचुरल सी बात डिमांड बढ़ गई तो भाई प्राइस भी बढ़ जाएगा आपका, ठीक है, नेचुरल सी बात है, ठीक है, क्योंकि सप्लाई एज इट इज है। दूसरा सवाल, परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज सेट टू एग्जिस्ट। परफेक्ट कॉम्पिटिशन कहाँ होगा, शब्द का ध्यान दीजिए, परफेक्ट कॉम्पिटिशन ए ऑप्शन है, देर आर होमोजेनस प्रोडक्ट्स, अगर प्रोडक्ट होमोजेनस हो। बी ऑप्शन, ईच फर्म इन द इंडस्ट्री एक्सेप्ट द मार्केट प्राइस बिकॉज इट हैज टू एक्सेप्ट इट। हर एक फर्म को एक्सेप्ट करना पड़ता है इंडस्ट्री का प्राइस, जो भी एक्सेप्ट करना पड़ता है इंडस्ट्री को, जो भी मार्केट प्राइस होता है, क्योंकि उसके अलावा एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। सी ऑप्शन है, प्राइस इज फिक्स्ड नॉट बाय द फर्म, प्राइस फर्म फिक्स नहीं करती है। डी ऑप्शन है ऑल द अबव, सारे ऑप्शन सही है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन की यहाँ बात हो रही है, सोच के जवाब दीजिए। तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा डी हो जाएगा, ऑल द अबव। देखिए परफेक्ट कंपटीशन वहां होगा जहां एक ही तरह का कंपनी प्रोडक्ट बनाता है, जैसे मान लीजिए पेन बनाने की कंपनी एक ही तरीके की पेन बनाती हो, कंपनी कई कंपनी है, हर एक फर्म मार्केट प्राइस को समझता है और उसको एक्सेप्ट करता है। दूसरा चीज क्या है कि प्राइस तो कंपनी फिक्स नहीं कर रही है, फिक्स कौन कर रहा है, पब्लिक फिक्स कर रही है, ठीक है, यानी डी ऑप्शन सभी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर थ्री, कंज्यूमर्स सरप्लस पूछ रहा, कंज्यूमर की सरप्लस हाईएस्ट कहां होती है, ठीक है, सरप्लस मतलब कंज्यूमर के पास वो चीजें बहुत ज्यादा है, कौन सा ऐसा कंज्यूमर का क्लास होगा या कौन सा ऐसा कंज्यूमर जिसका वो चीजें बहुत ज्यादा होंगी सरप्लस में। ए ऑप्शन है नेसेसिटीज, ए ऑप्शन लग्जरीज, बी ऑप्शन नेसेसिटीज, सी ऑप्शन है कंफर्ट, डी ऑप्शन है कन्वेंशनल नेसेसिटीज, बताइए कौन सा केस में हाईएस्ट होगा, बताना है आपको, पांच सेकंड ले लीजिए सोच के बताइए। तो इस केस में सही जवाब हो जाएगा बी नेसेसिटीज। देखिए कंज्यूमर पास कौन सा चीज ज्यादा हो सकता है, लग्जरीज कभी ज्यादा नहीं हो सकता, हर एक आदमी के पास कहां होता है, नेसेसिटीज वाली चीजें ज्यादा हो सकती है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर फोर, अब देखिए यहां शब्द क्या है, ए गिवन गुड्स इज वन फॉर विच इन रिस्पॉन्स ऑफ अ स्मॉल चेंज इन प्राइस। बोलते गिफ्टिंग गुड वो होता है जहां पे क्या छोटा चेंज के रिस्पॉन्स में आप कुछ करते हैं। ए ऑप्शन है जीरो इनकम इफेक्ट इज जस्ट ओवरवेट बाय ए पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, बोलते जीरो इनकम इफेक्ट होगा जिसको हम ओवरवेट करेंगे पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। बी ऑप्शन है ए नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज जस्ट ओवरवेट बाय पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, बोलते नेगेटिव इनकम इफेक्ट होगा जिसको ओवरवेट किया जाएगा पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। सी ऑप्शन है ए जीरो इनकम इफेक्ट, जो जीरो इनकम इफेक्ट होगा, जीरो इनकम इफेक्ट इज मैच्ड बाय ए जीरो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी जीरो इनकम इफेक्ट को मैच करेंगे जीरो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। डी ऑप्शन हो जाएगा ए नेगेटिव इनकम इफेक्ट आउटवेट बाय एनी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मतलब जो नेगेटिव इनकम इफेक्ट होगा वो आउटवेट करेगा किसी के भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। आपको यहां सोच के बताना है क्या ऑप्शन होगा, पांच सेकंड लीजिए सोचिए, दिमाग को जोड़ दीजिए फिर बताइए। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी नेगेटिव
इनकम इफेक्ट होगा वो एक आउटवेट करता है किसी पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। क्वेश्चन नंबर 5, डिमांड मीन्स, डिमांड का यहाँ पे क्या मतलब है ये बताइए। ए ऑप्शन हो जाएगा द डिजायर एंड विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। डिमांड का मतलब बता रहे हैं ए ऑप्शन में कि डिजायर और विलिंगनेस होता है किसी भी इंसान का या इंडिविजुअल का जहां पर सारा गुड्स और सर्विसेज जो उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से हो। बी ऑप्शन है डिजायर होगा साथ साथ एबिलिटी होगी और विलिंगनेस होगा किसी भी इंडिविजुअल का ताकि परचेज करे गुड्स को सर्विसेज को किसी भी गिवन टाइम पे और प्राइस पे। सी ऑप्शन है बोथ एंड बी, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। आपके हिसाब से क्या ऑप्शन होगा बताइए, सोचिए और बताइए। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी जो डिमांड का मतलब होता है वो क्या है, डिजायर है, उसको एबिलिटी है या विलिंगनेस है किसी इंडिविजुअल का कि वो परचेज करे उस गुड्स को सर्विसेज को एक गिवन टाइम पर प्राइस पे। क्वेश्चन नंबर 7, डिमांड फंक्शन फॉर ए कम्युनिटी इज डिफाइंड, बोलते जो डिमांड फंक्शन होता है किसी भी कम्युनिटी का उसको हम क्या डिफाइन करेंगे। ए ऑप्शन है क्वांटिटी डिमांडेड एज ए फंक्शन ऑफ द गुड ऑन प्राइस, जो क्वांटिटी आप डिमांड करते हो फंक्शन होता है किसका, गुड के अपने प्राइस का, और या फिर जो प्राइस होगा किसी सब्स्टिट्यूट का और बायर के इनकम का। ठीक है, तो यहाँ बोल रहे हैं डिमांड फंक्शन फॉर कम्युनिटी इज डिफाइंड, बोल रहे हैं डिमांड फंक्शन जो था किसी भी कम्युनिटी का उसको कैसे डिफाइन किया गया है। तो ए ऑप्शन बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड एज ए फंक्शन ऑफ द गुड्स ऑन प्राइस, द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट एंड बायर्स इनकम। बोल जो क्वांटिटी डिमांड होगा फंक्शन करेगा गुड्स का अपना खुद का प्राइस का, सब्स्टिट्यूट का और बायर के इनकम का। बी ऑप्शन हो जाएगा प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एज ए फंक्शन ऑफ द गुड्स ऑन प्राइस, बोलते प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट का फंक्शन करेगा गुड्स के अपने खुद के प्राइस का। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड एज ए फंक्शन ऑफ द टाइम एज फंक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, बोलते क्वांटिटी जो डिमांड होगा फंक्शन करेगा प्राइस का किसी दूसरे गुड्स को। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव, यानी सारे के सारे ऑप्शन सही होंगे, ये हो गया डी ऑप्शन। तब आपको बताना इनमें से कौन सी बात सही है। इसका सही ऑप्शन आ जाएगा ए, यानी क्वांटिटी डिमांडेड एज ए फंक्शन ऑफ द गुड्स ऑन प्राइस, द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट एंड द बायर्स इनकम, यानी क्वांटिटी डिमांडेड होगा वो फंक्शन होगा गुड्स का और उसके अपने प्राइस का, और प्राइस जो सब्स्टिट्यूट का होगा बायर्स के इनकम का, ये हो गया इसका मतलब। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, इन द टिपिकल डिमांड शेड्यूल क्वांटिटी डिमांड, मतलब टिपिकल डिमांड शेड्यूल में जो भी क्वांटिटी आप डिमांड करते हैं वो क्या है। ए ऑप्शन है वेराइज डायरेक्टली विद प्राइस, डायरेक्टली वेरी करेगा प्राइस के साथ। बी ऑप्शन है वेराइज प्रोपोर्शनेटली विद प्राइस, एंड प्रोपोर्शनेटली प्राइस के साथ वेरी करेगा। सी ऑप्शन है इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस, यानी इंडिपेंडेंट होगा प्राइस का। डी ऑप्शन है वेराइज इनवर्सली विद प्राइस, यानी इनवर्सली वो प्राइस के साथ वेरी करेगा। तो आपको थोड़ा सोच के बताइए इस केस में। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा डी, वेराइज इनवर्सली विद प्राइस। अब समझते हैं इसको, तो क्या बोलते हैं जो टिपिकल डिमांड शेड्यूल होता है क्वांटिटी डिमांडेड अगर है तो प्राइस के साथ वेरी करेगा। कैसे समझो बात को, अगर कोई भी क्वांटिटी है, ठीक है, ये क्या है क्वांटिटी है कोई भी, पता चला कि मार्केट में उसकी सप्लाई कम हो रही है तो प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेचुरल सी बात है ना, प्राइस बढ़ जाएगी। अरे भाई मार्केट में सामान ही नहीं है तो खरीदने वाले लोग बहुत हैं, प्राइस बढ़ जाएगा। इसको ब्लैक मार्केटिंग में हम लोग बोलते हैं ना। तो प्राइस इनवर्सली प्राइस, एंड क्वांटिटी घटेगा तो प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इसलिए डी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स डेट वेन, लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है यहाँ पे। लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है ए ऑप्शन में इनकम राइजेस डिमांड राइजेस, इनकम बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ गया। बी ऑप्शन है इनकम राइजेस डिमांड राइजेस, सॉरी प्राइस राइजेस डिमांड राइजेस, प्राइस बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ गया। सी ऑप्शन है प्राइस फॉल्स डिमांड फॉल्स, एंड प्राइस बढ़ा तो डिमांड घट गया, फिर प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस, प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ गया। अब आपको बताना है लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या बोलता है, थोड़ा टाइम लीजिए, सोचिए समझिए बताइए। ठीक है, इसका जो जवाब हो जाएगा डी, प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस। नेचुरल सी बात, अभी मैंने क्या बताया कि अभी मैंने आपको क्या बताया था कि डिमांड जो है अगर पढ़ा था ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है,
मैंने क्या बोला, डिमांड बढ़ जाए तो सॉरी डिमांड बढ़ गया, ठीक है, या आप ऐसा बोलिए बढ़ गया तो प्राइस क्या हो जाएगा, घट जाएगी, घट नहीं जाएगी, डिमांड बढ़ गया तो प्राइस गिर जाएगी, राइट, ठीक है, ये लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे बताता है, समझना होगा आपको इस पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर 10, द लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट्स, लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, ए ऑप्शन है, द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांड, जो रिलेशनशिप होता है इनकम और क्वांटिटी के बीच में जो डिमांड किया, फिर बी ऑप्शन रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी एंड प्राइस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट, जो रिलेशनशिप होता है किसी प्राइस ऑफ कॉमोडिटी और प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स के बीच में, सी ऑप्शन हो जाएगा द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ टू कॉमोडिटी, दो कॉमोडिटी के बीच में प्राइस, बी ऑप्शन रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, क्या रिलेशनशिप होगा, प्राइस ऑफ प्राइस बिटवीन द प्राइस बिटवीन द कॉमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड, यहां पे सवाल है, बताइए, थोड़ा टाइम लीजिए, सोचिए फिर बताइए। ठीक है, इसका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी, यानी जो रिलेशनशिप होगा प्राइस का ऑफ कॉमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड का, ये हो जाएगा, ठीक है, बेसिकली लॉ डिमांड क्या होता है, रिलेशनशिप बताता है प्राइस ऑफ कॉमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड का, ठीक है। यहां पे दो तरह के सीआईबी के कोर्सेज हैं, एक है सीआईबी का पीपीटी कोर्स जिसमें अभी जो आपने वीडियो देख रहे हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डर जिसको बोलते हैं, दूसरा होता है सीआईबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स जहां मैं बोर्ड पे आता हूं, पढ़ाता हूं, समझाता हूं, बताता हूं, वो वीडियो कोर्स ज्यादा अच्छी होती है, ज्यादा सेलिंग है, ज्यादा पावरफुल है और पक्का पास कर जाइएगा आप उसमें, ठीक है, दो तरह के कोर्सेज यहाँ पे, दोनों में कंपैरिजन कर देता हूँ, यहाँ वीडियो लेक्चर कोर्स है, यहाँ वीडियो लेक्चर कोर्स है, यहाँ भी केस स्टडी वीडियो, यहाँ भी केस स्टडी वीडियो है, यहाँ 6000 स्टडी क्वेश्चन बनेंगे, 12000 स्टडी क्वेश्चन बनेंगे, 15 मॉक टेस्ट है, 30 मॉक टेस्ट है, यहाँ रिविजन नोट्स है, यहाँ भी रिविजन नोट है, दोनों जगह जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वैलिडिटी को लेकर, लाइफ लॉन्ग है, कोई भी पेपर करिए एबीएम बीएफएम रिटेल बैंकिंग सभी का दाम 600 रुपये, यहाँ सभी का दाम 1000 रुपये है, एबीएम प्लस बीएफएम करेंगे 1100 रुपये, इसका दाम 1800 रुपये, कॉम्बो पे करेंगे तीनों पेपर एक साथ, इसका दाम 1500 रुपये, इसका दाम है 2500 रुपये, ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946, और वेबसाइट में जाकर ऑर्डर ऑनलाइन प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jbcibstudymetal.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seedsinam23@gmail.com, सारा इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, ये ऑफर मिस ना हो जाए इसको याद से आप ले लीजिए, ठीक है, थैंक यू।